क्रिटिकल थिंकिंग में आप नॉलेज को एक्सेप्ट करने से पहले एनालाइज करते हो, एविडेंस से कंपेयर करते हो, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कंपेयर करते हो, वेरीफाई करते हो उसको। ठीक, तो ये जो सीरीज चल रही है तुक्का लगाने के गलत तरीका एमसीक्यू परीक्षा में, तो कुछ तुक्का लगाने के, गैस लगाने के जो तरीके बताए जाते हैं, पिछले में मैंने बताया था कि एक मेथड बताया जाता है कि ऑलवेज प्रेफर बी, के अगर आपके पास और कोई चारा नहीं है तो बी ऑप्शन को प्रेफर करें, वो गलत साबित हो गया था जो बाहर की रिसर्च अप्लाई की थी इंडिया में। अब ये नेक्स्ट फिर रिसर्च है जो इंडिया की रिसर्च इंडिया में अप्लाई करके देखेंगे, तो इसमें बात करेंगे। हाँ, यूजीसी नेट के संदर्भ में है, किसी और पेपर के लिए कोई और जो व्यूअर है वो इसको अप्लाई मत करे, है ना। देखना है नहीं देखना है वो आप पर निर्भर करता है लर्न करने के लिए, लेकिन अप्लाई नहीं कर सकते। डायरेक्टली कह रहा हूं कि सिर्फ यूजीसी नेट वालों का फर्स्ट पेपर, उस पर अप्लाई करने के लिए है। उस शुड वी प्रेफर फुटप्रिंट। अच्छा, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फुटप्रिंट होते क्या है और उसका क्या रूल अब तक आप तो को बताया जाता है जब आपने तुक्का लगाना है। लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज फुटप्रिंट। अच्छा, ये जो ये एक मिनट, ये मैं कर लूँ थोड़ा सा इसको, ये कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना। अच्छा, कौन सा कलर ठीक रहेगा, ये वाला नहीं, ये वाला, ये वाला नीला ले लेते हैं। फुटप्रिंट क्या है कि रेपिटेशन ऑफ राइट रिस्पॉन्स। कि फॉर एग्जाम्पल, अगर एक, ये देखिए, ये फुटप्रिंट की एग्जाम्पल है, ये फुटप्रिंट की एग्जाम्पल है। ए 22nd पर डी ऑप्शन ठीक था, 23rd पर भी डी ऑप्शन ठीक है। अच्छा, यहाँ फुटप्रिंट की एग्जाम्पल है 24th, 25th। अच्छा, फुटप्रिंट के कई टाइप्स होते हैं। टू फुटप्रिंट के दो लगातार जो है सेम राइट स्कोर आ रहा है। थ्री वाला भी हो सकता है। अच्छा, क्या चार वाला भी हो सकता है? चार कंसिक्यूटिवली चार हो सकते हैं? ये तो बड़ी अजीब बात है। जब आप तुक्का लगाने के सही मेथड, साइंटिफिक मेथड, ये सारा कुछ पढ़ते हो, सुनते हो, समझते हो, तो आपको ये सुजेस्ट किया जाता है कि अवॉइड फुटप्रिंट ऑफ टू सक्सेसिव क्वेश्चंस, रेयरली हैव द सेम करेक्ट ऑप्शन। रूल क्या है ये आपको समझाया जाता है। ठीक है, रूल सही है गलत है ये सिचुएशन, पेपर आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक, आपके एरिया कहाँ पेपर लिया जाता है, ज्योग्राफिकल, क्योंकि पेपर सेटर उधर नजदीक के होते हैं, आप फॉरेन से नहीं पेपर एमसीक्यू सेट करवाते। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि फुटप्रिंट को अवॉइड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, क्या ये मेथड कह रहा है, नाल साथ में एक्सप्लेन भी किया है, क्योंकि दो लगातार राइट आंसर रेयरली, बहुत ज्यादा कम होते हैं, नामात्र होते हैं। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि अगर ये वाला क्वेश्चन ठीक है, बी ठीक है, तो आपको नेक्स्ट जो है वो ए सी या डी लगाना चाहिए, बी नहीं लगाना चाहिए। ठीक, मैंने कई सिचुएशन ऐसी बनाई हैं, वो यहां पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आगे स्पेसिफिक सिचुएशन है। फॉर एग्जांपल, ये देखो केस ए है, जैसे केस टू है, केस थ्री है, केस फोर है, केस कितने केस हैं जो फुटप्रिंट के ही हैं, वो वीडियो आपके लिए ज्यादा, इससे ज्यादा बेनिफिशियल वो होगा। तो सिचुएशन पर निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर ये जो है बी है और आगे भी बी है, तो क्या प्रोबेबिलिटी अब मेरी ए सी और डी की ज्यादा चाहिए, है ना। तो अभी मैं कंक्लूजन नहीं दूंगा, कंक्लूजन नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अभी हमने समझा है कि फुटप्रिंट होते क्या हैं। तो हमें ये गाइड कर रहे हैं प्रिंसिपल ला जो यूट्यूब वाले हैं, कि दो लगातार या तीन लगातार नहीं होते ये राइट रिस्पॉन्स, रेयरली होते हैं, बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो देखेंगे कि वो कितने होते हैं, हो सकता है ये 100% ठीक हो सकता है ये ना ठीक हो। नेक्स्ट है कि ये जो रिसर्च है,
रिसर्च को जान लेना चाहिए। इस पर रिसर्च जो हुई है, रॉक ब्रेक्स सीजर, इसका रेफरेंस विलियम पाउंडस्टोन, बार बार आपको यूट्यूब पर मिलेगा, बुक्स में भी, जहां जो अच्छे टीचर आपको गाइड करते हैं वो भी देते होंगे। तो वो इसके बारे में क्या कहते हैं कि ये जो अमेरिका या डेवलप कंट्री के 2400 क्वेश्चंस को एनालाइज करके जो रिसर्च की है उन्होंने, स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, ड्राइविंग टेस्ट के और ऐसे कई टेस्ट को कलेक्ट करके उनके क्वेश्चंस का, एमसीक्यू क्वेश्चन का एनालिसिस किया है। कोई 3 ऑप्शन का, कोई 4 ऑप्शन का, कोई 5 ऑप्शन का, हमें लेना देना 4 ऑप्शन से है हमारा यूजीसी टेस्ट, क्योंकि 4 ऑप्शन वाला होता है। तो उसके बारे में ये कंक्लूजन इन्होंने इस रिसर्च में, इस बुक में दिया गया है, नो फुटप्रिंट, वो जो इन्होंने जीरो कर दिया है कि कोई भी 2 ऑप्शन लगातार राइट रिस्पांस नहीं होते। अगर ऐसा होता है तो आपके लिए गैस वर्क ज्यादा इजी है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, यहां नहीं, लंबा हो जाएगा। आफ्टर करेक्ट आंसर चेंज द लेटर ऑप्शन, ओके। तो ये इन्होंने कहा है कि इन्होंने इनका क्रिटिसिज्म किया है, ये ऑथर ने, रिसर्चर ने, इन्वेस्टिगेटर ने, कि फुटप्रिंट फॉलो नहीं, अमेरिका जहाँ, यहाँ से इन्होंने डेवलप कंट्री में से जो सैंपल लिया है तो वहाँ 2 लगातार ऑप्शन राइट नहीं होते, ठीक है। ये अगर राइट नहीं होते तो आप डायरेक्टली इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो कि 2 लगातार नहीं होते, ये तो मैंने डॉट लगाए हुए हैं ना। मान लीजिए आपका पहला फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ए आया था, इट मींस नेक्स्ट आपको ये फॉलो नहीं करना चाहिए, ये आपकी 25% प्रोबेबिलिटी रॉन्ग होने की कम हो गई, आपको बी सी और डी में, बाकी रीजनिंग लॉजिक जो आपने नॉलेज अप्लाई करनी है डिफरेंट है। अगर कुछ नहीं है आपके पास, ये तब की बात है, इसको रैंडम गैस बोलते हैं, तो आपको चूज करना चाहिए बी सी और डी। ये वाला रूल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये बातें याद रखनी है, ये कह रहे हैं। लेट अस अब हम देखते हैं, ये रैशनल अप्रोच हो गई, ठीक है। तो एक रिसर्च भी हमने देख ली, तो अब देखते हैं कि यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर का एनालिसिस रिगार्डिंग फुटप्रिंट क्या कहता है। देखते हैं फुटप्रिंट कहाँ है, ये रहे, ये रहे, ये ओके, ये है 2019 का पेपर, फर्स्ट पेपर है। तो फुटप्रिंट आइडेंटिफाई मैंने कर रखे हैं, मैंने ग्रीन कलर ये वाला कर रखा है, यहाँ 3 फुटप्रिंट है, वो कहते थे 2 भी नहीं है, रेयर होंगे, और अमेरिका वालों ने कहा कि वो रखते ही नहीं है, फुटप्रिंट है ही नहीं उनके। इंडिया की यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर, ग्रीन वाला 3, ओके, रेड वाले 2, ये लगातार रेड देख रहे हो, 4 नहीं है फुटप्रिंट, ये सीसी है, ये एए है, ठीक है। और रेड वाले 2 फुटप्रिंट हैं, ग्रीन वाले 3 फुटप्रिंट हैं और ब्लू वाले 4 फुटप्रिंट है। 5 फुटप्रिंट जितने पेपर मैंने अभी तक एनालाइज किए कोई भी नहीं मिला, ठीक। तो ये रहे, इनकी काउंटिंग कर सकते हैं आप, खुद देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस का राइट रिस्पांस लगातार वही रहा है। डी 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 1, 2, 3 बार रिपीट होने वाले 2 फुटप्रिंट हैं, और रेड वाले हैं देख सकते हो आप 2, सी सी डी डी, सी सी ए ए, ये 4 हो गए, 5 हो गए बी बी, ए 6 हो गए, ठीक है। इस तरह से मैंने काउंटिंग कर ली है, और जो 3 वाले हैं वो हो गए हैं, 4 वाले ए ए ए ए, इसका मतलब है कि लगातार 4 क्वेश्चन बिल्कुल, ये फॉर एग्जांपल ए ए ए ए, ये राइट रिस्पांस इनके आ रहे हैं, ठीक। ये जो प्रैक्टिस हम एम्पिरिकल देख रहे हैं, एविडेंस देख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि यूजीसी के पेपर 2018 के में है, हाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओ 4 फिर आ रहे हैं। अब आप देख सकते हो लगातार तेजी से अगर देखना है, देखिए फुटप्रिंट साफ दिखाई दे रहे हैं आपको, प्रोपोर्शन भी साफ दिखाई दे रहा है कि कितने प्रोपोर्शन में फुटप्रिंट हैं। तो क्या ये देखिए रेड, वो भी रेड था, डबल फुटप्रिंट है, ये देखिए 3 वाले 3 वाले 2, 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
भी होता है। ये देखिए ये स्टील हो गया, देख लीजिए
ये जितना कलरफुल है ये एरिया बता रहा है कि वो जो रूल है वो अपने यूजीसी के फर्स्ट पेपर पर अप्लाई नहीं हो रहा। क्यों? कितना प्रपोर्शन है जो फुटप्रिंट होता है। दूसरी बात कि फुटप्रिंट सिर्फ दो फुटप्रिंट वाला नहीं, तीन वाले फुटप्रिंट भी मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं आगे जाके मैंने एनालिसिस स्टैटिस्टिकल किया है, आपको बताता हूं। ये रहा पिछले पेपर, तो मैंने पिछले 2014 तक का ये एनालिसिस किया है, ये देख सकते हो, ये रहा टेबल, ठीक है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ करेक्ट आंसर फुटप्रिंट ऑफ यूजीसी नेट पेपर 1। अब देखिए कि कोई भी ऐसा पेपर एक बार भी हुआ है, इसको थोड़ा बड़ा कर लें, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये अब इसको कलर कर लेते हैं, कोई रेड चलेगा, बेटर रहेगा। कोई भी ऐसा ईयर है कि जीरो फुटप्रिंट है या रेयर है, रेयर मतलब कि एक दो, एक एक दो है, यही हो सकता है ना रेयर, कि 50 क्वेश्चन पूछे गए उसमें फुटप्रिंट कोई नहीं है, लेकिन यहां 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन होते हैं ना, तो दो वाला फुटप्रिंट देखिए, दो बार जो रिपीट होया ये है, तीन बार रिपीट हुए ये है, चार बार जितने रिपीट हुए हैं। अच्छा, उसकी ये एक टेंडेंसी साफ दिखाई दे रही है, जो पिछला पेपर 2019 का हुआ है उसमें 6 फुटप्रिंट दो वाले हैं और 3 फुटप्रिंट तीन वाले हैं और 1 फुटप्रिंट चार वाला भी है, और टोटल रिस्पॉन्स ऑप्शन जो है टोटल 50, देखिए 50 क्वेश्चन है, ठीक है, 50 क्वेश्चन है, तो 25 क्वेश्चंस की जो अरेंजमेंट है, इसको पैटर्न भी थोड़ा बोल सकते हैं, पैटर्न वाला वीडियो लेकिन डिफरेंट होगा कि पैटर्न कोई बनता है नहीं बनता है, ठीक। तो 25 जा रहे हैं, इसको आप रेयर या नो बोल सकते हो। अमेरिकन जो वो रॉक ब्रेक्स सीजर जो बुक है, रिसर्च है उनकी, वो कह रहे हैं रेयरली और नहीं, वो नहीं करते ना, वो वहां अप्लाई करेंगे। तो हमारा जो यूजीसी पेपर 1 सेटर है और उसके पेपर का अरेंजमेंट है, तो वो कह रहा है कि रेपिटेशन ऑफ सेम राइट रिस्पांस हो रही है। अच्छा, 2018 में कम हो गई, थोड़ी कम हो गई, ओके, नवंबर 2017 में 23, लेकिन ये रेयर है या नहीं है, रेपिटेशन बहुत है। फिर 21 हो गई, 17 है, 19 है, 15 है। अच्छा देखिए, ये पीछे से आप चल रहे हैं, पीछे से 2014 से, तो आप ये देखिए 2019 तक की रेपिटेशन जो है फुटप्रिंट की वो बढ़ रही है। और एक अजीब बात, पहले में जीरो है, चार का जीरो है, चार का जीरो है, चार का जीरो है, चार का, पिछले जो तीन पेपर हुए हैं उनमें चार रेपिटेशन फुटप्रिंट की एक एक बार मिली है, एक एक बार, ठीक। तीन क्वेश्चन को कितनी बार रिपीट किया गया है, जैसे एक दो तीन सेम आए हैं, तो ये देखिए 2019 के पिछले में बहुत ज्यादा है, तीन, फिर यहां कोई नहीं है, जीरो, यहां पर फिर एक है, दो है, तीन है, एक है, तीन है, इनकी एवरेज देख लो आप, दो के करीब निकल रही है, डेढ़ दो के करीब, ठीक है। और दो वाली की रेपिटेशन बहुत ज्यादा है, वो 6 थी, यहां पर 7 है, यहां पर 8 है, फिर 9 है, 4 है, 8 है, और 6 है, तो सबसे कम जो है 4, तो आप इसको भी रेयर बोल सकते हो, और मैक्सिमम है 9, ठीक है। और इसका वो जो टोटल अगर आपने देखना है कि टोटल इतने सालों में उनका अगर प्लस कर दें, तो आपके सामने, एक मिनट, यहाँ इसको ऐसे करना पड़ेगा, आगे जाएंगे रैंक भी साथ में देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर ले इसको, अब बड़ा कर सकते हो आप, यहाँ पर ये रहा, ये हाँ, तो अब रैंक देखना है तो सबसे ज्यादा फुटप्रिंट किसके आ रहे हैं ये भी देख लीजिए, वो सबसे ज्यादा किसके आ रहे हैं, दो वाले सबसे ज्यादा, 48, ठीक है, इतनी रेपिटेशन साथ में है, ये एवरेज नहीं निकालेगी, आप सिर्फ रैंक को देखिए, तो तीन, ये गलत हो गया है, ऐसा नहीं, नहीं ठीक है, 11 है, रैंक 2 आ गया, और ये रैंक 3, इट मींस सबसे फुटप्रिंट क्या है,
कंक्लूजन क्या है? यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का पिछले 2014 से अब तक 2019 तक का कंक्लूजन क्या है कि यस फुटप्रिंट होते हैं, ठीक है। नंबर दो, सबसे ज्यादा कौन से होते हैं? सबसे ज्यादा दो वाले होते हैं, आज तक कोई पेपर नहीं हुआ, और उसमें भी कम से कम चार बार, चार से नौ बार है। इट मींस एवरेज क्या लगभग आ गई, आप एवरेज भी निकाल सकते हो फर्दर एनालिसिस करके, ये भी बता दूंगा। कम से कम छह बार दो फुटप्रिंट होते हैं, ये कंक्लूजन पक्का हो गया। और ये डेढ़ एक पॉइंट तीन चार पांच छह सात परसेंट तक जो है तीन वाले फुटप्रिंट होते हैं, और चार वाले रेयर हैं, ये रेयर हैं, इसको बोल सकते हैं, ये रेयर हैं, इसको रेयर बोलिए, ये पॉइंट तीन चार परसेंट होंगे सारे, ठीक। तो ये फुटप्रिंट का भी जो प्रिंसिपल है, जो आपको बताया जाता है कि फुटप्रिंट को कभी रेयर नहीं होता, तो कल आना है, नहीं फुटप्रिंट हो सकता है, इट मींस ये रूल को अगर आप अप्लाई करते हो तो ज़्यादा डेंजरस है। अच्छा, फुटप्रिंट को कैसे अप्लाई करना है यूजीसी नेट पेपर वन में, इस एनालिसिस के बेस पर और आपको इन एग्जाम्पल के बेस पर। अगर वैसे तो कोई आप चाहेगा नहीं, क्योंकि मेरी वीडियो कोई देखता दुखता तो नहीं है, ऐसे तो ऐसे केस लेके आपको बता सकता हूं कि यहां आपको फुटप्रिंट यूजीसी फर्स्ट पेपर में फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक। तो अगर आप कहते हो तो वो ऐसा करूंगा, नेक्स्ट वीडियो निकालूंगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्स दैट इज ए बी सी डी ई के, टोटल उनकी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होती है तो वो बड़ा अच्छा तुक्का लग सकता है, लेकिन हमारे यूजीसी फर्स्ट पेपर का एनालिसिस क्या कहता है ये आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।